एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा लिटरेचर रिव्यू। ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी रिसर्च पेपर को लिखने के लिए या अपने थीसिस को लिखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डाउट किया है इस टॉपिक पे, मुझसे डाउट पूछा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आज मैं इसलिए ये टॉपिक लाई हूँ। देखिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हुए हुए ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू को लेके। सबसे इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन और सबसे मेजर कन्फ्यूजन जो मैं हर एक स्टूडेंट से मुझे जानने को मिल रहा है रिगार्डिंग द लिटरेचर रिव्यू इज़ कि वो सोचते हैं कि लिटरेचर रिव्यू वो होता है जहां हम दूसरे ऑथर्स के पेपर में जाके उनके लिखे हुए जो सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू का वो पढ़ते हैं और फिर उस चीज़ को हम मॉडिफाई करके अपने लिटरेचर रिव्यू में लिखते हैं। ना ना ना, ये गलत है। लिटरेचर रिव्यू वो नहीं होता है जहाँ आप दूसरे ऑथर्स के पेपर में जाके उनका लिटरेचर रिव्यू लिखा वाला सेक्शन पढ़ के आप उनको आपस अपने पेपर में लिख रहे हो और साइट कर रहे हो। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। लिटरेचर रिव्यू वो होता है जहाँ आप सपोज किसी के पेपर को पढ़ रहे हो, जैसे हेयर एट ऑल का पेपर पढ़ रहे हो। ओके, ये एक बहुत ही मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस के लिए बहुत पॉपुलर है। तो सपोज आप इनका पेपर पढ़ रहे हो और इनका पेपर का फाइंडिंग्स आप अपने पेपर में इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है, तो वो होता है लिटरेचर रिव्यू, जहाँ आप दूसरे ऑथर्स के पेपर्स को पढ़ते हो, उनके इंट्रोडक्शन, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके फाइंडिंग्स, उनके एनालिसिस पोर्शन सबको पढ़ के आप एक कंक्लूजन पे आते हो और वो कंक्लूजन को आप अपने पेपर में लिखते हो लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में, उनको साइट करते हुए, उनका इंडेक्स साइटेशन देते हुए, और फिर उसको रेफरेंस में उनका साइटेशन देते हो। वो होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू वो नहीं होता जहाँ आप दूसरे ऑथर के लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन को पढ़ के अपने लिटरेचर रिव्यू में लिख रहे। नो, दैट इज रॉन्ग। लिटरेचर रिव्यू समथिंग वेयर यू गो एंड रीड द पेपर्स ऑफ सम ऑफ द पॉपुलर ऑथर्स या ऑथर्स जिनके टॉपिक्स आपका रिलेटेड है और फिर उनके पेपर्स को पढ़ के एक कंक्लूजन पे आते हो और वो जो फाइंडिंग्स या कंक्लूजन आप डिराइव किए उनके पेपर से वो आप अपने पेपर पे साइट कर रहे हो, तो वो होता है लिटरेचर रिव्यू। वो आप अपनी लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में लिखते हो। लिटरेचर रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसी भी रिसर्च जर्नी के रिसर्च पेपर का या थीसिस का, क्योंकि थ्रू लिटरेचर रिव्यू ही आप एक कंक्लूजन, अपना रिसर्च गैप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिना लिटरेचर रिव्यू आप कभी भी कोई भी टॉपिक चूज नहीं कर सकते कि मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करना है। हाँ, आप ब्रॉड एरिया चूज कर सकते हो, बट एक नीच एरिया पे पहुंचने के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। मतलब आपको पुराने ऑथर्स का जो पेपर ऑलरेडी लिख चुके हैं उस टॉपिक पे, उनका पेपर्स को पढ़ के एक फाइनल कंक्लूजन पे आना पड़ता है, विच इज़ नोन एज रिसर्च गैप, जो आपका रिसर्च गैप बनता है, और उनके फाइंडिंग्स को अपने जब आप पेपर में या थीसिस में लिखते हो लिटरेचर रिव्यू के सेक्शन में, वो जाता है प्रोसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो आई होप आपको समझ आ गया हो लिटरेचर रिव्यू एक्चुअली होता क्या है। फर्दर मैं वीडियो लाऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू और सिनॉप्सिस से रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट आए मुझ पर। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ डू वी राइट अ सिनॉप्सिस, हाउ डू वी सर्च अ टॉपिक इन शोधगंगा या गूगल स्कॉलर या स्कोपस। आई ब्रिंग दिस टॉपिक ऑल्सो। टिल देन, आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।